नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नंदुजाट सीके चैनल पर। और आज के इस वीडियो में आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन सिक्कों के बारे में बात करने वाला हूं। 1 रुपए के तीन सिक्के जिनमें कीमत की बात की जाए तो आपको 50 से 60 हजार रुपए से भी ऊपर की वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन कुछ सिक्के ऐसे भी बताऊंगा जो आज के टाइम 200, 300, 500 रुपए की वैल्यू रखते हैं। लेकिन अगर आज आपने उन सिक्कों का कलेक्शन किया तो 2 साल, 3 साल के बाद में वो सिक्के आपको 3, 4, 5 हजार तक की वैल्यू भी दे सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। बेल आइकन का बटन दबाने का मतलब यह है कि जब भी मैं कोई वीडियो जारी करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाएगी। आज के जिन सिक्कों के बारे में मैं बात करने वाला हूं, वो पहला सिक्का है 1983 में जारी किया गया हैदराबाद मिंट का 1 रुपए का सिक्का, जिसको आप इस टाइम पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर 2 पे है महाराणा प्रताप की थीम्स पे जारी किया गया 1 रुपए का सिक्का, जिसको 2003 में जारी किया गया था, उसको भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर 3 पे आता है 2003 में जारी किया गया डेफिनेटिव सर्कुलेशन का 1 रुपए का सिक्का, जिसको आप स्क्रीन पे इस टाइम पे देख सकते हैं। गाइस, ये सिक्के आपको अच्छी खासी वैल्यू दे सकते हैं फ्यूचर में, अगर आज आपने इन सिक्कों का कलेक्शन किया। अगर आपने पूरा वीडियो देखा, अच्छे से समझा, तो आपको ये वीडियो बहुत कुछ दिला सकते हैं। मतलब आप बहुत कुछ यहाँ से सीख के जा सकते हैं और उससे अच्छा खासा कलेक्शन तैयार कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप फ्यूचर में एक अच्छी कीमत भी कमा सकते हैं। गाइज, मेरा एक ही मकसद होता है कि आपके पास में एक सही जानकारी जाए, आप उससे एक सही चीज को समझें और आप उसका कोई फायदा उठाएं। बहुत सारे लोग होते हैं YouTube पे वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको एक ही काम करते हैं, वीडियो में आगे नंबर दिया गया है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, सिक्के सेल कर सकते हैं, नोट सेल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, कहीं पे भी कोई भी डायरेक्ट ऐसी चीजें सेल नहीं होती है। अगर आपके पास कोई यूनिक नोट, कोई सिक्का है और आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो सेल करने का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको उस सिक्के की सही जानकारी जुटानी होती है, उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा आपको कोई एग्जीबिशन शेयर करने होते हैं। उसका फायदा ये होता है कि आपको उससे रिलेटेड नॉलेज मिल जाएगा कि आपका सिक्का कितनी वैल्यू रखता है, कहाँ सेल करना चाहिए, कैसे सेल करना चाहिए इसको। क्योंकि अगर आपने बहुत सारे सिक्के जमा किए और एक बंडल बना लिया और उसको सेल करने के लिए निकले, तो बिल्कुल भी सेल नहीं होगा। अगर होगा तब भी आपको कोई खास बेनिफिट नहीं देगा। तो गाइज, मैं सबसे पहले तो आपको यही कहूंगा कि आप एक अच्छा नॉलेज ग्रो करें और एक अच्छा एल्बम तैयार करें, एक अच्छा कलेक्शन तैयार करें। अगर फ्यूचर में कुछ करने का प्लानिंग है करेंसी से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले एक अच्छा नॉलेज ग्रो करना होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं उन रेयर सिक्कों के बारे में, कौन सा सिक्का किस कंडीशन में आपको कितनी वैल्यू दे सकता है। आज के टाइम पर अगर 1 रुपए के इस सिक्के का कलेक्शन किया जाए तो फ्यूचर में ये एक आपको अच्छी मतलब कीमत दिला सकता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये हो जाती है कि आज जो सिक्के कॉमन जैसे दिखते हैं, मतलब स्केयर की कैटेगरी में हैं, वही सिक्के फ्यूचर में ज्यादा कीमत देते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2007 में जारी किया गया 5 रुपए का सिक्का, वो भी आज से 2 साल पहले इतनी ही वैल्यू रखता था जितना आज 1 रुपए का ये सिक्का अपने आप में वैल्यूएशन रखता है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पेशली ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आज अगर इन सिक्कों का कलेक्शन नहीं किया गया तो उसके बाद में ये सिक्के नहीं मिलेंगे और बहुत महंगे भी हो जाएंगे। उस दिन 3,000, 4,000, 5,000 में जाएंगे, उस दिन आप लोग इन सिक्कों को ढूंढना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उस दिन ये सिक्के नहीं मिलेंगे। आज इन सिक्कों का जरूर कलेक्शन करना चाहिए, और अभी अगर कलेक्शन किया तो ये सिक्के 2 साल के बाद में आपको 4 गुना कीमत देंगे, लिख के ले लो ये चीज। बात करने वाले हैं हम लोग 2003 में जारी किए गए 1 रुपए के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के कॉमेमोरेटिव कॉइन के बारे में। ये सिक्का महाराणा प्रताप की थीम्स के साथ में जारी किया गया है, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। इस सिक्के को एक बार अच्छे से देख लें। यहाँ पे एक चीज आपको और बताऊंगा, वो है 1 रुपए के महाराणा प्रताप के इन सिक्कों में दो अलग अलग मिंटों से सिक्के को जारी किया गया है। अब यहाँ पे ये चीज नोट कर लेना, आप कोई भी सिक्के को अगर कलेक्ट करना स्टार्ट किया तो शायद जो मैं बोल रहा हूं वो आपको नहीं मिले, लेकिन अगर मैंने जो बताया वह आपने कलेक्ट किया तो आज से 2 साल बाद में आप मेरे से इस सिक्के की कीमत 4 गुना वसूल लेना, जो कीमत आज मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से देखने वाली चीज है ये, मतलब जो
कॉमन सिक्के होते हैं स्केयर कैटेगरी में चले जाते हैं वो रेयर भी होते हैं, ये ध्यान रखना, जो स्केयर में जा सकता है वो रेयर भी होगा। 2007 के सिक्के में ऐसा ही कुछ हुआ था, 2 साल पहले उस सिक्के की कीमत मात्र 500 से 700 800 रुपए लास्ट थी, यहां तक कि कुछ लोग तो 300 400 रुपए में भी सेल कर देते थे उस सिक्के को। आज के टाइम देखो 3,500 4,000 भी ले रहे हैं लोग, 4,500 भी मांगते हैं एग्जीबिशन से अगर आप खरीदने के लिए जाओ तो इस सिक्के में भी कुछ ऐसा ही है। महाराणा प्रताप के 1 रुपए के सिक्के भारत के 2 मिनटों में जारी किए गए मुंबई और हैदराबाद की मिंट से। मिंट मार्क का स्पेशली ध्यान देना होता है, कोई भी सिक्का कलेक्शन करते हैं तो मिंट मार्क का आपको ध्यान होना चाहिए, उस सिक्के की सही जानकारी होनी चाहिए, वो सिक्का कैसे बना था, किस ईयर में बना था और उसका मेटल क्या है और सिक्के की एज वेराइटी क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए, उसके बाद में ही सिक्के को कलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा, महाराणा प्रताप के इन सिक्कों में ये जो सिक्के हैं, ये जो मुंबई मिंट के सिक्के हैं जिसमें आप लोग देख सकते हैं, एक मिनट मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको इस सिक्के को, यहाँ पे 2003 के नीचे देखो यहाँ पे डायमंड बना हुआ है, और अगर आपका सिक्का हैदराबाद मिंट का होता है तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्टार देखने को मिलेगा 2003 के नीचे एक स्टार मिंट मार्क, लेकिन स्टार मिंट मार्क का सिक्का रेयर नहीं है, जो रेयर सिक्का है उसी के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ में एक डेफिनेटिव सर्कुलेशन के लिए जारी किया गया 1 रुपए के एक और 2003 के सिक्के के बारे में बात करेंगे, जिसका मैंने एक वीडियो बनाया था और बहुत सारे लोग उसके बाद में कॉमेंट करना भी स्टार्ट किए और कुछ लोग मुझे फोटो भी सेंड करते हैं, लेकिन वो लोग उस सिक्के को अच्छे से समझे ही नहीं है। मैंने उसकी कीमत 6,000 रुपए बताई थी, रियल में वो सिक्का 6,000 में सेल होता है, लेकिन क्यों सेल होता है उसको अच्छे से एक बार देखना होता है, समझना होता है सिक्के को, क्यों सिक्का रेयर है, वही मैं आपको अभी तक बता रहा था कि आपको उस सिक्के की सही जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में ये सिक्का जो 4.95 ग्राम वजन के साथ में जारी किया गया है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में, 25 mm इस सिक्के की साइज होती है, मुंबई मिंट का अगर ये सिक्का आपके पास में होता है तो यूएनसी कंडीशन में आज के टाइम इस सिक्के की कीमत 600 से 700 रुपए चल रही है, यूएनसी कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जिस कंडीशन मेरे हाथ में ये सिक्का है यहाँ पे भी आपको ये 200 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है, फाइन कंडीशन में 200, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्का आपको 300 से 350 रुपए दे सकता है। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोट की होगी कि मैंने फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के सिक्के की कीमत बहुत कम बताई है, क्यों बताई है मैं बताऊंगा आपको, यूएनसी कंडीशन का सिक्का होता है वो मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि 2003 में जो सिक्का जारी किया गया था अभी तक वो सारे सिक्के घिस गए हैं या फिर थोड़े बहुत मतलब डैमेज हो गए हैं सिक्के, तो यूएनसी कंडीशन का सिक्का मिलना मुश्किल होता है, इसके लिए वो सिक्का रेयर होता है। और फाइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी ठीक ठाक मतलब इस सिक्के की वैल्यू मानी जा सकती है, 200-300 रुपए कम नहीं होती आज के टाइम 1 रुपए की सिक्का है इसकी वैल्यू, तो इस तरह के सिक्के आप कलेक्ट कर सकते हैं, अच्छी वैल्यू देंगे, फ्यूचर में और भी ज्यादा अच्छी कीमत दे सकते हैं सिक्के। महाराणा प्रताप का मुंबई मिंट का सिक्का, मैं आपको यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि आप हैदराबाद मिंट का सिक्का कलेक्ट ना करें, जरूर करें, 1-2 सिक्के रखें, लेकिन यूएनसी कंडीशन का ही। यहाँ पे भी मैं आपको यही राय दूंगा कि आप 2003 का मुंबई मिंट का यूएनसी कंडीशन का सिक्का ही कलेक्ट करें, जो कि आपको फ्यूचर में अच्छी वैल्यू दे सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे 1 रुपए के 2003 के उस डेफिनेटिव सर्कुलेशन के लिए जारी किए गए 1 रुपए के सिक्के के बारे में। वो सिक्का भी आपको फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में ही देखने को मिलता है 2003 का, और बिल्कुल कॉमन सिक्का है, कोई वैल्यू नहीं है, 1 रुपए का सिक्का है, यूएनसी कंडीशन में भी अगर कलेक्ट करेंगे तो आपको 5 रुपए से ज्यादा वैल्यू नहीं ना तो देनी पड़ेगी ना ही आपको मिलने वाली है। लेकिन मैंने जिस 2003 के 1 रुपए के सिक्के की बात की थी वो था एक OMS वैरायटी का सिक्का, कॉपर निकल मेटल में वो सिक्का जारी किया गया था, जिसकी वजह से वो सिक्का रेयर हुआ। वो रेयर सिक्का आज के टाइम 6,000-7,000 रुपए से भी। इस सिक्के के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आप इस सिक्के का पीछे वीडियो देख सकते हैं, हम बात करेंगे अब उस रेयर सिक्के के बारे में जिसको आप लोग इस टाइम पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 1983 में जारी किया गया स्टार मिंट मार्क का 1 रुपए का ये सिक्का आपको 50,000-60,000 से भी ऊपर की वैल्यू दे सकता है। अब आप सोच रहे हो 50,000-60,000 क्यों बोल रहा हूं मैं, वो इसके लिए बोल रहा हूं कि इस सिक्के की कोई फिक्स कीमत अभी तक नहीं लगाई गई है, ये सिक्के ना ही ज्यादा मात्रा में कोई देखने को मिले हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ सिक्के देखने को मिले हैं जो कि इतनी सारी जनता के बीच में बहुत नाक के बराबर बोल सकते हैं हम लोग।
इन सिक्कों की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। अगर आपके पास में बहुत सारे 1 रुपए के सिक्के पड़े हैं तो आपको ये स्टार मिंट मार्क 1983 के नीचे स्टार का मिंट मार्क जरूर चेक करना चाहिए। बहुत ही रेयर सिक्का, आज के टाइम पर सबसे ज्यादा रेयर सिक्कों में से एक आता है ये सिक्का। तो गाइज, इस वीडियो से आप लोग को कुछ भी नॉलेज हुआ तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना।